Indian Army has been in the service of this nation for past many years, both during peace and war. During its long journey, which has been glorious, भारतीय सेना ने अनेकों ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है और सफलता से हिस्सा लिया है। मैं कर्नल दीपांकर शेरावत इस ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 21 सालों से एक हिस्सा हूँ। बचपन से ही मेरे अंदर एक जज्बा रहा था कि जाना है तो इंडियन आर्मी में जाना है। अब इफ आई मे से दैट द चाइल्डहुड, योर ड्रीम्स ऑफ चाइल्डहुड, दे गेट शेप्ड बाय योर बाय द एनवायरनमेंट दैट यू आर एक्सपोज टू। आप जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे उसका काफ़ी हिस्सा रहता है कि आप आगे जा कर के क्या बनेंगे। सो मैं जिस जगह से आता हूँ, भिवानी में एक हमारा गांव है, उस गांव में तकरीबन हर घर में एक ना एक फौजी रहा है। उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था मेरे इस डिसीजन पे कि मैं फौज को ज्वाइन करूं। दूसरा, पढ़ाई में मैं ठीक ठाक ही रहा था। टेंथ में मैथ्स में आई हैड 149 आउट ऑफ 150 एंड सिमिलर मार्क्स इन साइंस एंड सिमिलरली इन माय 12th। सो माय पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड मी टू ज्वाइन IIT, बट एंड थोड़ा सा मेरा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड भी रहा है। मैंने बचपन में अपने 11th में एक एंटरप्रेन्योर स्किल भी वेंचर भी करने की कोशिश की, जिसमें मैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। उन दिनों केबल टीवी नया नया आया था इंडिया में, तो मैंने सोचा, उस समय हम लोग हिसार में थे, आई थॉट कि लेट मी ट्राई माई हैंड आउट ऑन दिस। तो मैंने अपना खुद का केबल टीवी नेटवर्क भी लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा चला। फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला, अब तू IIT कर ले यार, कहाँ फौज में जाएगा। मैंने कहा नहीं, जाना तो फौज में ही है। सो क्योंकि हमेशा से ही हम देखते आए लोगों को कि यूनिफॉर्म में हर घर में कोई ना कोई फौजी है, और कॉमिक्स भी पढ़ते थे तो भी वो कमांडो कॉमिक्स पढ़ते थे। तो फिर एक सीरियल भी आया था उन दिनों फौजी करके, शाहरुख खान का, तो वो भी हम देखते थे। सो इन सब चीज़ों से काफ़ी एंड देन यू नो फाइनली दैट ग्लैमर, घर में जब भी कोई बात करता था 71 की लड़ाई की बात करता था कि किस तरीके से उन्होंने 71 की लड़ाई जीती। हमारे नाना जी बात करते थे तो 47-48 की, 65 की उनकी बात करते थे। सो उससे मतलब एक जज्बा सा बनता आया गया, और इसलिए मैंने फौज को ज्वाइन करने का फैसला किया। और इसी तरह से 12वीं के दौरान ही मैंने UPSC का जो NDA का एग्ज़ाम होता है उसे क्लियर किया, और इमिडिएटली आफ्टर माई 12th आई ज्वाइंट द नेशनल डिफेंस अकेडमी एट खड़कवासला पूना। आफ्टर आई पास्ड आउट फ्रॉम NDA, वी वेंट टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, वेर इन ड्यूरिंग बिफोर आर पासिंग आउट वी हैव टू एक्सरसाइज आर चॉइस कि हमें किस रेजिमेंट में हम जाना पसंद करेंगे। सो आई एक्सरसाइज माई चॉइस, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी जो चॉइस थी नागा रेजिमेंट वो मुझे मिली। एक यंग ऑफिसर का आर्मी के अंदर जो बेडिंग इन होता है, वो उसकी इनिशियल जो ग्रूमिंग होती है पलटन के अंदर, उस पर बहुत निर्भर करता है। और यही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरी इंडियन आर्मी में कि यंग ऑफिसर को अच्छे से ग्रूम किया जाता है ताकि वो फ्यूचर में जाकर के एक अच्छा लीडर बन सके। मेरी इनिशियल ग्रूमिंग जो हुई, मैं उसके लिए अपनी पलटन को, अपने उस्तादों को जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, उनका दिल से आभारी, क्योंकि यही वो ट्रेनिंग है, यही वो ग्रूमिंग है जिसकी वजह से एक जो मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इस जर्नी का, जो कि कारगिल वॉर था, जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, इस ट्रेनिंग और इस ग्रूमिंग का, उस ऑपरेशन में हमारा सक्सेसफुल होना, बहुत बहुत ये जो ट्रेनिंग और ग्रूमिंग है उसमें बहुत इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। ऑपरेशन विजय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारगिल की लड़ाई 1999 में जब पाकिस्तानियों ने हमारी कारगिल, मशको, द्रास पहाड़ियों पर इन्फिल्ट्रेशन करके जो धोखेबाजी से वहाँ पर घुसपैठ की थी और कब्जा कर लिया था, उसका नतीजा था कि भारत को, हमारे देश को उस लड़ाई में जाना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी ज़मीन
दुश्मन से वापस लेनी थी. सो माई बटालियन गॉट इंडक्टेड इन टू ऑपरेशन विजय एंड वी वर टास्क्ड टू कैप्चर वन ऑफ द फीचर्स विच वॉज डोमिनेटिंग द नेशनल हाईवे. जो नेशनल हाईवे है, जो कि एक लाइफ लाइन है श्रीनगर और लेह के बीच में, उसको इतना डोमिनेट कर रहा था कि कोई भी मूवमेंट वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रही थी. जैसा कि जैसे ही हमारी पलटन वहाँ पहुँची तो स्वागत जैसे हम करते हैं तो दुश्मन ने हमारा स्वागत किया खूब सारी आर्टिलरी शेलिंग से, जिससे कि हमारा हौसला और मजबूत हुआ. और इतने डिफ़िकल्ट टेरेन, डिफ़िकल्ट वेदर में इंडियन आर्मी ने जो लॉजिस्टिक्स, जो आर्टिलरी इतने कम टाइम में वहाँ पे बिल्डअप की, एक प्रोफेशनल आर्मी ही कर सकती है. तो हमें अपनी आर्टिलरी का पूरा सपोर्ट था. टारगेट हमारा जो था बहुत मुश्किल था. हम 14,000-15,000 फुट की ऊंचाइयों पे थे, बैटल लोड था और उन ऊंचाइयों पे ऑक्सीजन की कमी होती है. वहाँ पे ज़मीन ऐसी थी कि आप एक कदम ऊपर ले रहे हैं तो चार कदम नीचे फिसल रहे हैं. सो उन मुश्किलों के बीच मैं सलूट करता हूँ हिंदुस्तान के सभी वीर जवानों को जो उन दुर्गम ऊंचाइयों पे, उन परिस्थितियों में वहाँ तक पहुँचे. वहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक दुश्मन की गोलाबारी के अंडर वहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक वीरता का कार्य है. लड़ाई की बात बाद में करेंगे. वहाँ पहुँचना ही एक दुर्गम और अद्भुत कार्य है अपने आप में. सो जैसा मैं बता रहा था, वी रीच देयर नियर आर ऑब्जेक्टिव अंडर इंटेंस फायर. द बटालियन एडवांस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड आफ्टर इंटेंस फाइट ऑफ 3-4 days वी वर एबल टू कैप्चर द ऑब्जेक्टिव. नाउ यू नो आफ्टर द वॉर और आफ्टर द बैटल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन और मेक एनीबडी अंडरस्टैंड दोज कंडीशंस. वहाँ पर जब आप होते हैं तो बिल्कुल आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि इसे मैं याद करूँ या इसे मैं किस तरीके से. कई लोगों ने मुझसे पूछा, यार अपनी लड़ाई की फ़ोटो दिखाओ. तो मैंने कहा, भाई हम लड़ रहे थे यार, फ़ोटो थोड़ी खींच रहे थे वहाँ पर. बड़ा मुश्किल होता है किसी को समझाना कि किस कंडीशन में, किस तरीके से आप लड़े हैं. बट वॉट आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट इज यू नो दीज अवार्ड्स, माई डेकोरेशंस, वाइल इट इज़ बीन गिवन टू मी इंडिविजुअली, बट इट इज़ आफ्टर ऑल द टीम एफर्ट. इट वॉज द एंटायर टीम विच वॉज रिस्पॉन्सिबल टू फाइट देयर. इट वॉज द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर टीम इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, द कंपनी, द बटालियन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु वर पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन टू हैव यू नो दे आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टूवर्ड्स दिस अवार्ड विच आई एम वेयरिंग टूडे. And how does that team function? We do continuous training. People train in weapons, people train in tactics, people train in various disciplines which they are supposed to, you know, execute during a war or peace, that is their duties. So it so happened ki jab hamara hamla jane wala tha, so उस हमले के कुछ ही मिनट पहले दुश्मन की आर्टिलरी हमारे फायर बेस पर आकर गिरी और हमारी पलटन का पूरा फायर बेस तहस नहस हो गया. नाउ इमेजिन व्हेन यू आर अबाउट टू गो फॉर एन असॉल्ट, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट इज गोइंग टू हैव ऑन द मोरल ऑफ द ट्रूप्स हु आर गोइंग टू अटैक. द कमांडिंग ऑफिसर देन, द कंपनी कमांडर, दैट योर फायर बेस विच इज सपोज टू प्रोवाइड यू फायर सपोर्ट ड्यूरिंग द intimate moment of the fighting, that is no longer there. But hats off to my commanding officer then. He motivated us, he motivated the entire battalion, and despite the loss we went in. When we were going in, I got a news, my course mate Vikram Batra, who's no longer with us, he was fighting with us on the same feature, Anuj Nair, who's no longer with us, during that time I got this news. And imagine, we had trained together
for years in the academy, and you get this news that your buddy, your brother is no longer there. Despite those setbacks, it is only what takes you ahead is only the three things which people have always been telling, and I strongly believe in it. That is Naam, Namak और निशान. तो फायरबेस आपका उड़ गया. आपको ये भी खबर मिल रही है कि आपके जो कोस्टमेट्स हैं, जो आपके साथ रहे हैं, वो भी नहीं रहे. दुश्मन आप पे अटलरी शेलिंग किए जा रहा है, आप पे फायरिंग किए जा रहा है, आप कैप्चर कर रहे हैं, वो काउंटर अटैक कर रहा है, फिर आप कैप्चर कर रहे हैं. सो इसमें यस, देशभक्ति होती है आपके दिमाग में, आपके जहन में पीछे, लेकिन आपको जो आगे लेके जाता है, आपको जो मोटिवेशन देता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हमने लेना है, वो होती हैं ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई, नाम, नमक और निशान. नाम अपनी पलटन का जो हम कंधे पे लेके चलते हैं, नमक देश का, निशान यानी कि हमारे कलर्स, हमारा झंडा, हमारा परचम. इन तीनों के लिए एक फौजी हमेशा अपनी जान को बिना किसी रिटर्न ऑर्डर्स के, आई मीन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट वेट फॉर रिटर्न ऑर्डर्स. व्हेन वी आर गिवन एन ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर एंड वी एग्जीक्यूट द टास्क विदाउट इवन फियरिंग ऑफ द वर्स्ट. व्हाइल आई मे से दैट विदाउट फियरिंग, इट्स नॉट दैट कि डर नहीं लगता है, बट एक लीडर की क्वालिटी ये है या एक सोल्जर की क्वालिटी ये है कि उस डर को कितनी जल्दी वो काबू कर सके, अपने इमोशंस को कितनी जल्दी वो काबू कर सके. तो इसी दौरान हमने, हमारी एक कंपनी ने ट्विन बम का फीचर कैप्चर किया, और उसके बाद खबर मिली कि कुछ दूर एक और इनकी मोटर पोजीशन है. तो उस समय दिन का समय था, एंड नॉर्मली दिन के समय आप जितना हो सके कैमोफ्लाज वगैरह करके रहते, तो बावजूद उसके हमने उस मोटर पोजीशन को रेड किया, उस मोटर पोजीशन को इंटैक्ट कैप्चर किया, जिसमें कि पाकिस्तान की 5 मोटर्स थी, जो कि उस पूरे इलाके में पाकिस्तानी मंसूबों को फायर सपोर्ट दे रही थी. और जिस दिन ये मोटर पोजीशन कैप्चर हुई, एक्चुअली उनका उस इलाके से, उनकी जो बर्चुडाई से, इट एक्चुअली ब्रोक देयर बैकबोन एंड लेड टू देयर अल्टीमेट विड्रॉल फ्रॉम देयर. सो हाउ वॉज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन ऑफ द सोल्जर्स, बिकॉज वी टेक प्राइड इन एग्जीक्यूटिंग द टास्क विच आर गिवन टू अस विदाउट रिस्किंग और विदाउट इवन फेयरिंग दैट वी मे रिस्क आर लाइफ वाइल एग्जीक्यूटिंग आर टास्क. एंड दैट इज वॉट आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू ऑल टूडे, दैट कम वॉट मे, वेन द सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी इज गिवन एन ऑर्डर, गिवन अ टास्क, बी रेस्ट श्योर दैट ही विल डू इट इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ.